हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और नए तरह का स्नैक्स बनाने की रेसिपी। आप इसे आराम से 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए इस खस्ता स्नैक्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। मैदे की जगह आप गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें सबसे पहले जाएगा नमक। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 1 चम्मच इसमें जाएगी चीनी। नेक्स्ट 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। साथ ही में इसमें 1 चम्मच जाएगा तेल, जिससे ये खस्ता बनेंगे अंदर से। और अब इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच दही। यहाँ पर मैं ताज़े दही का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हमें इसका डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें मीडियम डो चाहिए। तो ये जो आटा है मैं दूध से गूंद रही हूँ, दूध से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध डालते हुए मैं इसे गूंद लूँगी, इस तरह से मसलते हुए गूंद लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है। और बस अब इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये और भी थोड़ा सा चिकना हो गया है। तो पहले इस रोलिंग बोर्ड पे मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करूँगी। और फिर पूरा के पूरा आटा हमने लेना है और फिर इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो बस ऐसे ही रैंडमली आप इसे रफली बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला या मोटा नहीं करना है, बस ऐसे ही रफली थोड़ा सा बेल लीजिए। आप चाहें तो हाथों से भी इसे बेल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये तैयार है। और अब यहाँ पर मैं इस पर एक साइड लगा दूंगी दूध। तो इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर का ये दूध है, किसी भी तरह के दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद तिल लिया है, जो हम तिल के लड्डू बनाते हैं ना, हाँ बस वही तिल है ये। और इस तरह से हम हाथों की मदद से दबाते हुए जो भी तिल है वो इस रोटी के ऊपर अच्छे से चिपक जाना चाहिए। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे लगा दीजिए। और फिर जो दूसरी तरफ है उस पर भी हम सेम दूध ठीक उसी तरह से अप्लाई कर देंगे। और फिर यहाँ पर प्लेट में तिल कम हो जाता है, तो थोड़ा सा तिल में और ऐड कर लूँगी। और दूसरे साइड से भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर से इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, ताकि जो तिल है वो दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए, मैंने दोनों साइड अच्छे से तिल को लगा दिया है। और अब फिर से एक बार आपको इसे बेलना है, ताकि जो तिल है वो अंदर आटे में अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जो रोटी है हमने काफ़ी मोटी बेली हुई थी, तो उसे थोड़ा सा पतला करना है। तो दोनों काम हो जाएंगे, रोटी भी पतली हो जाएगी, साथ में जो तिल है वो भी अंदर सेट हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे इतना पतला बेल लिया है। और अब चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे सर्कल में कट कर ले, ट्रायंगल कट कर ले, स्क्वायर कट कर ले, डायमंड शेप में कट कर ले, जैसे मन चाहे वैसे आप इसे कट कर लीजिए। थोड़े बड़े साइज़ में कर लीजिए, छोटे साइज़ में कर लीजिए, पूरी तरह आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो बड़े खस्ता और मज़ेदार बनते हैं ये नमकीन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी नमकीन मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं। और बस बहुत सिंपल है, आपको ये सभी पीसेस को सेपरेट कर लेना है। बहुत आसानी से निकल जाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं तिल दोनों साइड बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। तब तक मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा ना, तो एक एक करके ये सभी पीसेस को हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तेल गरम हो गया है, बस एक एक करके एक एक पीसेस को हम तेल में डाल देंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने इसे पतला ही बेला है। तो ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे इस पर इस तरह से गोल्डन कलर आ जाता है, मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो देखिए, कितने आसान सा स्नैक्स है ये। आप इसे बनाइए, टी टाइम पर सर्व कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे स्नैक्स बनके तैयार है, सभी को निकाल लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए।
साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्नैक्स है अंदर से कितना खस्ता और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो आप देख सकते हैं पहले तो इसका टेक्सचर की इस पर तिल कितने अच्छे से सेट हो गया है, और अंदर से देखिए कितना खस्ता और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।